सत श्रीकाल जी, मैं हां संदेश ओलक शर्मा, जगबाणी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। जिथे एक पासे चंडीगढ़ ट्राई सिटी च 24 दिसंबर नूं नगर निगम चोण दे विच वोटां होण जा रहियां हन, उत्थे ही कानून व्यवस्था लई भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी दे मद्देनजर यूटी पुलिस की अद्धी फोर्स तैनात होवेगी। SSP कुलदीप सिंह चाहल की सुपरविजन विच SP केतन बंसल, SP मनोज कुमार मीणा सहित सारे DSP इंस्पेक्टर IRB इंडियन रिजर्व बटालियन SI ASI महिला पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम PCR नाकाबंदी करने वाली ट्रैफिक दे कुल 3500 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा विभाग की मांग उत्ते कुल 6 कंपनियां भी तैनात होणगियां। इस बार वार्ड 26 तो वधा के 35 कर दिए गए हैं। वोट की तरीक तो 72 घंटे पहला प्रचार खत्म हो जाएगा। 24 को जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, उसके रिगार्डिंग हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल होगी। आज पुलिस लाइन में इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग DGP साहब ने पर्सनली सारी फोर्स की है। तकरीबन हमारे 3500 इसमें जो जवान हैं, जो ऑफिसर हैं, वो सारे ड्यूटी पे हमने लगाए। और इसके अलावा हमारे पास जो 4 कंपनी है, वो जो पैरामिलिट्री की जो हमारी जो बटालियंस हैं, जो CRPF की एंड BSF की, उनको भी हमने जो सेंसिटिव हमारे जो बूथ हैं, सेंसिटिव जो लोकेशन है, उन पर हमने डिप्यूट किया है। सर, जैसे 22 से लेकर 24 तक शराब के ठेके भी बंद है, जैसे अपनी चुनाव का माहौल है, शराबी चलती है, सर लोगों ने ज़्यादातर लोगों को रखती हैं अपने बेटे, उसके लिए सर क्या आपकी अलग सी है? नहीं, हमारे लिए जो हमने हर सेक्टर वाइज एक जो एंटी इलिसिट लिकर वो टीम है, हमने बनाई है। और कल भी हमने इसमें काफ़ी रिकवरी की है। और जो हमारे जो SHOs हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको इसमें सख्त हिदायत है, कोई इस तरह की जो कोई जो शराब बांटने की या कोई किसी भी तरह का जो वोटरों को लालच प्रदान करता है, उसकी जो हमने एक टीमें बनाई है एंटी इस टाइप की एक्टिविटी है, वो अपना जो फील्ड पे अपना काम कर रही है। अधिकारियों मुताबिक अजिहे वार्डा ते बूथा दे बारे जानकारी लै ली गई है जिथे माहौल खराब होने की संभावना है। आम तौर उते कलोनिया दे इलाकियां विच स्थित कई बूथ संवेदनशील रहिंदे हन। इस विच हलुमाचरा, बापू धाम, राम दरबार कलोनी नंबर 4, मलोआ, तनास, सेक्टर 25 कलोनी, इंदिरा कलोनी, किशनगढ़, डड्डू माचरा आदि, ये अजिहे इलाके हन जिथे लड़ाइयां दी आसार रहिंदे हन। इसलिए इन्हां बूथां दी जिम्मेवारी पैरामिलिट्री फोर्स नूं होवेगी। जगबाणी टीवी लई कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट। चोण प्रचार चाहे खत्म हो गया होवे ते 24 दिसंबर नूं नगर निगम दीआं चोणां होणियां ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी वल्लों आम आदमी पार्टी उत्ते एकदम वड्डा इल्जाम लगा दित्ता गया है। पार्टी दा कहना है कि चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया उत्ते फेक सर्वे विखा रही है अते एह फेक सर्वे किसे चैनल दा विखाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया ते तेजी दे नाल फैल रहा है। ते उन्हां वल्लों कहा गया है कि जदों उन्हां ने इस दी पूरी जांच पड़ताल कीती तां पता लग्या है कि एह सर्वे फेक है ते एह किसी भी चैनल वल्लों नहीं चलाया गया। इत्थों तक कि इस जिस चैनल दा एह सर्वे विखाया जा रहा है, उसने इस दी शिकायत भी चंडीगढ़ पुलिस नूं कीती है ते इस दी जांच होनी चाहीदी है ते एह गलत सर्वे उस दे चैनल दे नाम तों चलाया जा रहा है। का एक सर्वे ले करके सामने आए और उसमें से उनको 20 सीटें मिली थी, जिसमें से 10 के करीब इनके MLA भाग चुके हैं, 10 बाकी रह गए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक सर्वे जो इन्होंने जारी किया, ये सर्वे है, और सर्वे इन्होंने जब जारी किया तो ये जो सर्वे वाली कंपनी के पास जब कंप्लेंट पहुंची कि ये तो फेक सर्वे इन लोगों ने किया है। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਏਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚਹਿਤੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਉਨਕੋ ਇਹ ਦੇਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। जब ये बात हमारे सामने आई, हमने अपने लोगों को लगाया, बकायदा जानकारियाँ दी, लगातार हमने देखा कि वो प्रॉफिट में जाने वाली कंपनी को इन्होंने एक बहुत साजिश के तहत प्राइवेट हाथों में देने का फैसला कर लिया। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट। अकाली दल साढ़े उपर इल्जाम लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची। मैं ये कहना चाहना है कि जिस वक्त का केस है, जिस वक्त जगदीश भोला DSP रिटायर्ड, वो जिस वक्त फड़िया गया,
उन्हें जो कोर्ट च बयान दिते उस वक्त इन्हों का जीजा इतने पंजाब होम मिनिस्टर से ते इन्हां दी भैन केंद्र दे विच मंत्री सी, एक गल क्लीयर है। हुण मैनू नहीं पता साजिश दोनों चो किन्ने रची। ईडी उदों दी जांच कर रही है केंद्र दी, पुलिस उदों दी जांच कर रही है, हाई कोर्ट दे विच उदों दा ही केस पेंडिंग है और वह जांच हुण अगे वध रही है ते पेड़ च मरोड़ लग रहे, ढिड च पीड़ हो रही। और मैनू लगता है कि इन्हां नूं एक कानून का सामना करना चाहिए बजाय इस गल दे कि किसी दे दोष दे नालों एक कानून का सामना करन, दोष और गुण के आधार से कानून फैसला करे। कहते जाके पेश हो जाए ना, वो जाके पेश हो कानून का सामना करे, अगर दोषी है तो भाई वो सज़ा मिल जाएगी, जे नहीं दोषी तो छुट जाएगी। कि पहले जी लेबर जड़िया सोसायटियाँ पहले सारा काम उन्होंने दिता जाएगा और जोड़ा काम वो नहीं लैनगिया वो ठेकेदार को देंगे। असी लेबर के हित के नाल और सरकार लेबर के हितों कभी भी तापते नहीं है। नहीं, हमारे लिए जो हमने हर सेक्टर वाइज एक जो एंटी इलिसिट लिकर वो टीम है हमने बनाई और कल भी हमने इसमें काफ़ी रिकवरी की है। और जो हमारे जो SHOs हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको इसमें सख्त हिदायत है, कोई इस तरह की जो कोई जो शराब बांटने की या कोई किसी भी तरह का जो वोटरों को लालच प्रदान करता है, उसकी जो हमने एक टीमें बनाई है एंटी इस टाइप की एक्टिविटी है, वो अपना जो फील्ड पे अपना काम कर रही है। जिथे भारत देश च दिवाली दुशहरा वर्गे त्यौहार लोग बड़ी धूमधाम नाल मनाउंदे हन, उत्थे ही साल दे आखरी त्यौहार क्रिसमस नूं लै के भी लोग बाजार सजाउंदे हन। इस नूं लै के सजण लगे चंडीगढ़ दे बाजार दुकाना, जिस विच सेंटर दी ड्रेस अते क्रिसमस ट्री दी भारी मांग देखी गई। शहर विच क्रिसमस नूं लै के सैक्टर 19 अते सैक्टर 18 अते सैक्टर 20 मार्केट विच सब तों ज्यादा चहल पहल रहिंदी है। जिथे क्रिसमस ट्री सितारियां नाल सजाया जांदा है, लोग भी वड्डी गिनती च खरीदारी करन पहुंच रहे हन। जिस तरह देश च हर त्यौहार दी खुशी मनाई जांदी है, उसी ही तरह क्रिसमस भी लोग मना रहे हन। क्रिसमस आ रहा है तो पूरा घर से जाएंगे, अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, ट्रीज, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। तो क्रिसमस वाले दिन घर को सजाएंगे, साथ में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। ऑब्वियसली पार्टी होगी। थोड़ा सा बताइए उस दिन क्या क्या होगा दोस्तों के साथ? घर तो सजाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान है। घर तो पूरा सजाने के लिए हमें सारा सामान ऑब्वियस ले ही लिया है, 3 क्रिसमस ट्री ले लिए हैं, बाकी उसके साथ साथ हमें ऑफिस के लिए भी चाहिए सामान, तो दोनों के लिए बहुत सारी शॉपिंग चल रही है। आप देखते हमारे बैग्स पूरे भर गए हैं कार्ड्स हमारी। तो 25 तारीख को खूब एंजॉय होने वाला है ऑब्वियसली। हाँ, साल में ये तो टाइम बहुत अच्छा होता है शॉपिंग करने के लिए भी और घर को सजाने के लिए, तो डेफिनेटली हम करने वाले हैं। हम बेसिकली यहाँ पे ऑफिस के लिए और हमारा घर सजाने के लिए क्रिसमस का सामान लेने आए हैं। क्रिसमस ट्री खरीदा है हमने अभी एक, और बाकी हम डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं, रीत वगैरह और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं क्रिसमस के लिए। किस तरह का एंजॉय होगा उस दिन, कैसे हैं एंजॉय? आई थिंक बहुत एंजॉय करेंगे हम। कल भी हम देख रहे थे कैरल सिंगिंग वगैरह बहुत हो रही थी, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि क्रिसमस में भी हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं। So I think we'll be enjoying a lot on Christmas also. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्रेंड्स भी रहेंगे, फैमिली भी रहेगी, हम साथ मिलकर खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे, क्रिसमस मनाएंगे। मेरा बेटा 3 साल का है, तो क्रिसमस ट्री घर पे लगा के उसको डेकोरेट करेंगे और 25th को उसको गिफ्ट्स देंगे। शांति और खुशी और बच्चे खुश रहें और घर में सब ठीक रहें। अच्छा, ये बताइए किस तरह से सजाएंगे, क्योंकि कहते हैं घर को सजाना बड़ा अनिवार्य होता है, किस तरह से घर को सजाएंगे ताकि बच्चे भी खुश रहें? घर को बच्चे तो इसी में खुश हो जाते हैं, बस थोड़ा बहुत उनको कुछ केक बना दो, डेकोरेशंस करा दो, तो वही मैं लेने आई हुई हूँ डेकोरेशंस। आज हमने सोचा हुआ है स्कूल से आएगा तो ट्री को इकट्ठे डेकोरेट करेंगे। मैं केक बनवाने हैं, उसके लिए वो जो सिल्वर फॉइल होती है वो लेने आए हैं, और क्या, और क्रिसमस की डेकोरेशन का सामान और जो बलून्स वगैरह हो गए ये सब, क्रिसमस ट्री वगैरह, क्योंकि सारा सामान यहीं से मिल जाता है इजीली। तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, कोविड भी है, इस बार यीशु मसीह से क्या मांग रहे हैं? सर, ऐसा है कि खुदा का शुक्र है कि चलो कोविड के पिछले साल तो इतना नहीं हो पाया, लेकिन अभी मौका मिला है, खुदा ने मौका दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और शांति का संदेश सबको दिया और अमन चैन पूरे संसार में रहे।
शांति रहे, यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत अच्छी रहने वाली है। हमारा देश जो है वो धर्म निरपेक्ष देश है, तो सब त्यौहार जो होते हैं वो सब मिलजुल के मनाते हैं। क्रिसमस हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, कुछ भी त्यौहार हो, सब मिलजुल के मनाते हैं। भाईचारे का संदेश सबको, सब मिलजुल के रहें। जैसे हम त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं ऐसे हमेशा मिलजुल के रहें। क्या लेने आए हैं क्रिसमस? क्रिसमस ट्री और इनसे पूछिए क्रिसमस डेकोरेशंस और सबका प्यार। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो क्रिसमस की डेकोरेशंस है, हम अपने क्रिसमस ट्री लेकर आए हैं, उसको डेकोरेट करेंगे सो दैट इट्स वर्ल्ड पीस एंड यू नो हेल्थ वेल्थ फॉर एवरीबॉडी। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस नूं लैके शहर दे बाजार भले ही सजने शुरू हो चुके हन, पर शहर दे दुकानदारां विच इस बार निराशा दा माहौल है। दुकानदारां दा कहना सी कि इस बार स्कूलां दीआं छुट्टियां जल्दी हो गईआं हन, जिस दे चलदे स्कूल विच किसे प्रकार दे प्रोग्राम आयोजित नहीं होणगे अते सामान दी सेल घट रहण दी उम्मीद है। उधर जेकर गल करिए चंडीगढ़ दे खास वड्डे मॉल दी, तां इस त्यौहार दे मद्देनजर मॉल नूं भी चंगी तरह सजाया गया है। लोगों की खासी चहल पहल देखने मिली। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट। रुक मौसम दा कर लैने आ ते दस दिने आ कि तापमान अज किन्ना रहा। अज वध-वध तापमान 18.9 डिग्री सैल्सियस ते घट-घट तापमान 5.7 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। ताज़े इस बुलेटिन दे विच पास इना ही, फिर होवेगी मुलाकात। सत श्री अकाल।